हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राकेश चौधरी इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पहला चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो अपन सॉल्व करते हैं, और उसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनसे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, दो एक समान और बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का बल लगता है, तो हमें प्रत्येक आवेश का मान बताना है कितना होगा। देखो आंसर नंबर वन क्या दिया आपने को, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, दो आवेश हैं और दोनों आवेश जो हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दे दी 3 मीटर और इनके बीच में बल लग रहा है 1.6 न्यूटन। क्या पूछा है बताइए कि एक आवेश का मान कितना होगा, क्यू हमें निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूले में रखेंगे, एफ की वैल्यू कितनी है 1.6, फॉर्मूला जानते ही हैं के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो क्यू वन और क्यू टू तो सेम ही है तो के क्यू स्क्वायर हो जाएगा। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो के की जगह 1.6 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू का स्क्वायर और अपॉन आर की वैल्यू दे दी 3, तो 3 का स्क्वायर, इसको काट देंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, देन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 1.6 × 10⁻⁹ और क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा इसका अंडर रूट, मात्र क्या हो जाएगा उसका कूलॉम। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व कर लेंगे। और आगे आप इसको सॉल्व करना चाहो तो नीचे 10⁻⁹ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 1.6 नीचे अपन 10⁻⁹ बना दें तो इंटू 10 × 10⁻⁹, तो 1.6 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो ये तो 16 हो गया, और 16 का रूट लोगे तो 4 और नीचे आ गया 10⁵, इसको ऊपर ले जाके ये हो गया 4 × 10⁻⁵ माइक्रो में कन्वर्ट कर दोगे तो 40 × 10⁻⁶ और इसकी जगह लगा देंगे माइक्रो कूलॉम। सेकेंड क्वेश्चन है कि दो आवेशों के बीच में बल एफ है, यदि इनके मध्य की दूरी को 3 गुणा कर दें तब नया बल कितना हो जाएगा। अच्छा, पहले केस में क्या दिया अपने को कि एक जो बल है वो एफ है, तो एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये पहली कंडीशन दी अपने को। फिर अपने को क्या कहा गया है, अगर दोनों के बीच की दूरी को हमें 3 गुणा कर दें तो आर की जगह अब नया बल हो जाएगा, तो नए बल को नाम दे देंगे एफ डैश, तो के क्यू वन क्यू टू आर की जगह कह रहा है 3 गुणा कर दो तो 3 आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाई 9 आर स्क्वायर, ये तो एफ था ही अपने पास, तो हमारा नया बल एफ डेस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन 9। फिर मैं बात करूं तीसरे क्वेश्चन की, तीसरा कह रहा है किसी वस्तु को 5 × 10⁻¹⁹ कूलॉम से धनावेशित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो आपको बताया हुआ है कि दिए गए आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किस प्रकार से निकाली जाती है, तो उसके लिए आवेश के क्वांटमीकरण में हमने पढ़ा था कि Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, n क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, Q कितना दिया अपने को 5 × 10⁻¹⁹ इज इक्वल्स टू n, हमें कैलकुलेट करना है 1.6 × 10⁻¹⁹, देन n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 × 10⁻¹⁹ अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें हो जाएगी। इसके बाद अपन लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 9e और e ये दो आवेश दिए हैं, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, इनके मध्य एक अन्य आवेश को कहां रखें कि वो साम्यावस्था में रहे। अब देखो इस क्वेश्चन में अपने को दिया है कि हमारे पास दो आवेश दिए हैं, एक 9e है और एक e है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो दे दी हमें 16 सेंटीमीटर, तो मैं इसको a मान लेता हूं और इसको b मान लेता हूं। फिर कहा गया है कि किसी तीसरे आवेश को कहां रखें ताकि वो आवेश संतुलन में रहे। अब कोई भी आवेश संतुलन में तभी रह सकता है जब उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल 0 होना चाहिए। अब एक चीज और, अगर मान लीजिए वो दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, मान लीजिए दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो उस स्थिति में वो आवेश उनके बीच में रखा जाएगा। अगर मान लो एक प्लस का है एक माइनस का है, यानी विपरीत प्रकृति के हैं दोनों, तब जो संतुलन में आवेश रहेगा वो या तो दोनों के राइट साइड में इधर रहेगा या फिर लेफ्ट में रहेगा। यहां दोनों समान प्रकृति के हैं, इसका मतलब उस आवेश को हम बीच में रखेंगे, तो ये है वो क्यू आवेश। मैंने मान लिया कि उस आवेश को 9e आवेश से अक्स सेंटीमीटर की दूरी पर हमने रख दिया ताकि वो संतुलन में आ जाए, बाकी डिस्टेंस कितनी बच गई 16 माइनस अक्स सेंटीमीटर,
यहां से लेकर यहां तक की दूरी बच गई 16 - 6 सेंटीमीटर। क्या करना है हमें, इस आवेश पर परिणामी बल निकालना है, उसको जीरो के बराबर करना है। कैसे करेंगे देखो, इसको मैं ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लेते हैं। सी पर हम ए के कारण देखेंगे पहले, तो सी पर ए के कारण देखेंगे तो यहां प्लस 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 में प्रतिकर्षण, सी पर ए के कारण निकालें तो ए से दूर जाएंगे, सी हमारा बीच में आना चाहिए, एफ ए इधर होगा। फिर आप देखोगे सी पर बी के कारण प्लस प्लस, बी से दूर जाएंगे, सी बीच में आना चाहिए, ये हो जाएगा हमारे पास एफ बी। दोनों का मान एफ ए कितना हो गया, के 9e इंटू क्यू अपॉन, अब यहां मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में वो कट जाएंगे, तो सेंटीमीटर में ले लो आप, तो अक्ष का स्क्वायर। ऐसे ही एफ बी निकाल लेंगे, के कितना है इधर आवेश E, इधर कितना है Q, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस 16 - अक्ष का स्क्वायर। अब यहां पर देखो बच्चों, इन दोनों के बीच का कोण कितना है 180 डिग्री, एक इधर है दूसरा इधर है। 180 डिग्री में हम प्रणामी निकालने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इस आवेश पर प्रणामी बल, C पर जो प्रणामी बल होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, F इज इक्वल्स टू एफ ए माइनस एफ बी। अब अपने को कहा गया है यह आवेश संतुलन में होना चाहिए, यह आवेश संतुलन में होना चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि उस आवेश पर लगने वाला प्रणामी बल कितना होगा, जीरो। देन एफ ए माइनस एफ बी, तो एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, दोनों की वैल्यू रख देंगे तो के 9e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होगा के ई क्यू अपॉन 16 - अक्ष का होल स्क्वायर। जो चीज कट रही है उसको काट देंगे, के से के कट गया, ई से ई कट गया, क्यू ये आपस में कट गए, इधर हो गया 1 अपॉन अक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 16 - अक्स का होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान रखना है कि इसका होल स्क्वायर नहीं करना, वरना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है, यहीं पर इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर समीकरण को हल करोगे तो अक्स का मान अपने को आ जाएगा। तो इस तरीके से करना था तीसरा प्रश्न। पांचवा, अपने को कहा गया है कि दो समान गोले जिन पर विपरीत और असमान आवेश हैं, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखें, इनको परस्पर स्पर्श करवाकर जब उतनी दूरी पर रख दिया जाता है तो 0.025 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं, तो दोनों का अंतिम आवेश बताइए क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है कि इस बार अपने को दो अलग अलग गोले दे दिए, मान लीजिए सर्वांग सम है, इन दोनों पर अलग अलग आवेश है, स्टार्टिंग में दिया नहीं है कितना कितना है, ये Q1 है और ये Q2 है, ये दोनों पर अलग अलग आवेश है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं 0.025 बल से, अभी नहीं कर रहे। अब आगे क्या कहा गया है, अब अपने को कहा गया है कि अगर इन दोनों आवेशों को अगर एक बार परस्पर हम टच करवा दें और फिर उतनी ही दूरी पर वापस रख दें। अब बच्चों आपको स्टार्टिंग में वहां पर बताया था कि अगर सर्वांग सम होते हैं, जो गोले होते हैं अगर वो सर्वांग सम है और फिर दोनों को आपस में टच करवा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो आवेश होता है वो दोनों पर बराबर बराबर बट जाता है। अब स्टार्टिंग में क्या था, Q1 और Q2 हमें नहीं पता कितना है, लेकिन बाद में जब दोनों को हम टच करवा देंगे तब तो बराबर बराबर हो ही जाएगा, बस यही है। टच करवाने के बाद ये भी क्यों हो जाएगा और ये भी क्यों हो जाएगा, और अब दोनों की डिस्टेंस वही है 90 सेंटीमीटर, हर दोनों के बीच में F अपने को दे दिया 0.025 न्यूटन, रख दो फॉर्मूले में, तो 0.025 इज इक्वल्स टू के Q1 क्यू, के की जगह भी वैल्यू पुट कर दो, 9 × 10⁻⁹ × Q × Q बाई 0.9, 90 सेंटीमीटर है मीटर में बदलेंगे तो 0.9 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे और Q का मान है वो अपन निकाल लेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन कहता है, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की पट्टी का रख दी जाए तो उनके मध्य कार्यरत बल पहले की तुलना में बताइए बढ़ेगा कि घटेगा। अब देखो जब हमारे पास निर्वात होता है, तो निर्वात होता है तो बल का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है Q1 Q2 अपॉन 4π ε0 r², ये तो लगता है निर्वात में। अगर माध्यम भर दिया जाए तो माध्यम भरने पर बल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Q1 Q2 अपॉन 4π ε0 εr × r²
एप्सिलॉन आर को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। पट्टिका किसकी रखी जा रही है? कांच की, और कांच का परावैद्युतांक एक से बड़ा होता है। लिखवाया हुआ आपको कुचालक पदार्थों का परावैद्युतांक एक से बड़ा होता है। इसका मतलब यह हो गया एप्सिलॉन आर का मान यहां एक से बड़ा है। तो अगर यहां एक से बड़ी संख्या का भाग लग रहा है, इसका मतलब यह हुआ इसका मान कम हो गया। और आपको बताया हुआ है कि माध्यम भरने पर लगने वाला बल हमेशा निर्वात की तुलना में कम होता है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। 7th देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का एक अणु है, उसका द्विध्रुव आवरण इतना है, उनके आयनों के मध्य दूरी है वो अपने से पूछी गई है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अणु, तो HCl का अणु एक द्विध्रुव है, और जब ये टूटता है तो किस किस में टूटता है? H प्लस और Cl माइनस में। और क्या दिया गया है इसके लिए? द्विध्रुव आघूर्ण का मान दे दिया P। हर वो कितना दे दिया अपने को? द्विध्रुव आघूर्ण दिया है 3.4 × 10⁻³⁰ कूलाम इंटू मीटर, ये द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया। अब द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि P इज इक्वल्स टू किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी। अब मान लो इस H प्लस और Cl माइनस के बीच की दूरी कितनी है? 2D है। 2D अपन लेते हैं, किसी भी द्विध्रुव की लंबाई है वो 2D ली जाती। सारी वैल्यू है हमारे पास। P किस का कितना दे दिया? 3.4 × 10⁻³⁰। Q किसी एक आवेश का परिमाण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H प्लस पर कितना आवेश हो गया? 1.6 × 10⁻¹⁹, तो ये हो गया 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू 2D। 2D अपने को यहां से कैलकुलेट करना है। अब 2D है वही H प्लस और Cl माइनस की बीच की दूरी है, यही द्विध्रुव की लंबाई। इसको आधा नहीं करना अपने को, D नहीं करना, 2D लेते हैं अपने इसको। तो यहां से 2D इज इक्वल टू आ गया 3.4 × 10⁻³⁰ डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻¹⁹। दूरी है इसलिए मात्रक हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 की। 8वां क्वेश्चन है वो क्या है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में है, उनके त्वरणों का अनुपात बताइए। एक तो इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक प्रोटॉन दे दिया, दोनों एक ही विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं। अपने को पूछा है कि बताइए इनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। अब वहां पर आपको बताया था कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र ई अपने को दे दिया जाए, उसमें क्यू आवेश रख दिया जाए, तो उस आवेश पर लगने वाला बल एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू ई। एक बल का फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है? MA। कर दो दोनों को बराबर, तो QE इक्वल करोगे आप MA के, तो यहां से A इज इक्वल्स टू कितना आ गया? QE अपॉन M। ये तो होता है विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी आवेश पर लगने वाले त्वरण का फॉर्मूला। अब चलते हैं इसमें। Q आवेश का मान, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों के लिए बराबर बराबर। E विद्युत क्षेत्र, दोनों एक ही विद्युत क्षेत्र में है, तो Q भी कांस्टेंट है E भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ त्वरण व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके? M के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A व्युत्क्रमानुपाती है M के, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण अपॉन प्रोटॉन का त्वरण उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उनके त्वरणों का जो अनुपात होता है वो उनके द्रव्यमानों के अनुपात के व्युत्क्रम के समान होता है। प्रश्न नंबर 9, किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश हैं, यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। अब देखो बच्चों, आपको पहले भी बताया था ये चीज कि जब आकृति हमारे पास समरूप होती है, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो पंचभुज हो, षटभुज हो, अगर उसकी सारी भुजाएं बराबर बराबर हैं और सभी कोनों पर यदि बराबर बराबर परिमाण का आवेश रखा है, यहां भी क्यू है यहां भी क्यू है, तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोणों पर बराबर बराबर परिमाण का आवेश है, तो हमेशा याद रखना कि उसके केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा जीरो होगा। ई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है हर समरूप आकृति के लिए, बशर्ते भुजाएं भुजाओं की लंबाई सबके लिए बराबर होनी चाहिए और हर कोने पर आवेश सबके लिए बराबर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 कहता है, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या लगेगा?
लास्ट वाला अपना डेरिवेशन कि अगर कोई समरूप विद्युत क्षेत्र दे दिया उसमें एक द्विध्रुव अपने को दे दिया कि यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है, अपने को कहा गया है कि इस पर क्या लगेगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ आपको बताया था कि इस पर लगने वाला परिणामी बल जीरो होता है, एफ की वैल्यू जीरो होती है और इस पर लगता है बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल नहीं लगता, केवल क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। और अगर यही चीज असमरूप विद्युत क्षेत्र होती कि मैं यहां एक दो लाइन और खींच देता, अब ये असमरूप विद्युत क्षेत्र हो गया। तो असमरूप विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर बल भी लगेगा, बल आघूर्ण भी लगेगा, वो स्थानांतरित गति भी करेगा और घूर्णन गति भी करेगा। प्रश्न नंबर 11 अपने लिए कहता है कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के अधिकतम मान के लिए पी और ई के बीच का कोण कितना होना चाहिए। ये लो, विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण का फॉर्मूला ये रहा, टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा। कह रहा है टाउ मैक्स के लिए, अधिकतम बल आघूर्ण के लिए थीटा कितना होना चाहिए। साफ सी दिख रहा है थीटा 90 होना चाहिए क्योंकि साइन 90 का मान 1, तो फिर टाउ मैक्स अपने को कितना मिल जाएगा, पी ई है वो मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 12 अपने को कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटोन एक एंगस्ट्रम दूरी पर है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण बताओ। एक तो दे दिया प्रोटॉन और एक दे दिया इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को दे दी एक एंगस्ट्रम, अपने को कहा गया है कि द्विध्रुव आघूर्ण पी बताओ। क्या फॉर्मूला है, किसी एक आवेश का परिमाण दोनों के बीच की दूरी, देन पी इज इक्वल्स टू क्यू का मान 1.6 × 10⁻¹⁹, दोनों के बीच की दूरी एंगस्ट्रम यानी 10⁻¹⁹, देन पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 × 10⁻²⁹ कूलाम मीटर। तो ये हो जाएगा दोनों के बीच का द्विध्रुव आघूर्ण। फिर अपने को कहा गया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थितियों पर, अब यहां ध्यान रखना है कि अनुदैर्ध्य जो होता है, अनुदैर्ध्य को हम अक्षीय स्थिति भी बोलते हैं और अनुप्रस्थ स्थिति को हम निरक्ष भी बोलते हैं। तो इन दोनों का अनुपात पूछा है। अच्छा, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला 2kp/r³, और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला kp/r³। देन ई निरक्ष, पहले अक्ष, ई अक्ष अपॉन ई निरक्ष, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपॉन निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या अनुपात हो जाएगा, 2:1, 2kp/r³ में kp/r³ का भाग दे देंगे। प्रश्न नंबर 14 अपने को कहा गया है कि कुछ दूरी पर स्थित 5 μC और -5 μC आवेशों के मध्य इतना बल है, यदि उनको स्पर्श करवाकर उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो अब बताइए उनके बीच में कितना बल लगेगा। यहां है 5 μC, यहां है -5 μC, इन दोनों के बीच की दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी अपने को, दोनों के बीच 9 N का बल लग रहा है, इन दोनों के बीच में 9 N का बल है वो लग रहा है। फिर आगे क्या कहा गया, आगे अपने को कहा गया है यदि इन दोनों को हम टच करवा दें थोड़ी देर के लिए, फिर वापस उतनी दूरी पर रख दें तो आप बताइए कितना बल लगेगा। 5 μC और -5 μC को टच करवा देंगे, टोटल आवेश कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो दोनों पर कितना हो गया, बराबर बराबर बटेगा, पहले पर भी 0 आ गया, दूसरे पर भी 0 आ गया, तो बाद में यहां भी 0 μC और यहां भी 0 μC, अब दोनों के बीच में कितना बल लगेगा, 0। ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है, दो परिमाण में समान विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य F न्यूटन का बल लग रहा है, यदि एक आवेश का 75% दूसरे को दे दिया जाए तो इनके मध्य बल पहले की तुलना में कितना लगेगा। देखो, अब अपने को कहा गया है कि दो आवेश हैं, एक Q है, परिमाण दोनों का समान है, यह भी Q है, प्रकृति विपरीत है कि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो स्टार्टिंग में तो अपने को ये दिया, और दोनों के बीच की दूरी दी है r। अब तो पहले केस में अपना बल निकाल ले एक बार, कितना बल लग रहा है, तो दोनों के बीच बल F इज इक्वल्स टू क्या हो गया, kq²/r² चाहे तो माइनस लगा सकते हैं लेकिन परिमाण देख रहे हैं यहां पे, तो परिमाण kq²/r² हो जाएगा। अब ये तो था केस फर्स्ट, सेकंड केस में अपने को क्या कहा गया है, यदि पहले आवेश का 75% दूसरे को दे दें तो यहां कितना है, Q है, अगर Q का आप
75% निकालोगे तो इसके पास कितना बच जाएगा? तो पहले तो देखो Q का 75% कितना होता है, तो Q गुणा 75/100 कितना आ गया? 3Q/4 कि Q में से 3Q/4 हमने निकाल लिया तो कितना बच गया अब इसके पास? पहले के पास कितना बच गया? Q/4 3Q/4 तो इसमें से निकाल ही लिया, ये हमने दे दिया दूसरे वाले को, दूसरे वाला क्या है? माइनस क्यू, उसको हम दे देंगे तो उसके पास माइनस क्यू वाले को आप 3Q/4 यदि दे दोगे कितना बच जाएगा? माइनस का Q/4, तो इसके पास रह गया अब माइनस का Q/4, ये पहला ये दूसरा। अब ऐसी स्थिति में अब अपने को कह रहा है दूरी उतनी है आर, कह रहा है नया बल बताओ कितना हो जाएगा, तो नया बल एफ डैश इज इक्वल्स टू के Q/4 / -Q/4, परिमाण ले रहे हो तो माइनस को छोड़ दो, अपॉन आर स्क्वायर, तो कितना आ गया? एफ डैश इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 16R². अब देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन 16R², ये तो पहले वाला मान है एक F, ये रहा, तो फिर हमारा नया बल F डैश इज इक्वल्स टू पहले वाले का 1/16 गुणा है हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है ये अपने को करने हैं। इसके बाद में आते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। शॉर्ट में आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं, एक क्वांटम आवेश का मान जानते ही हैं 1.6×10⁻¹, फिर है आर दूरी पर स्थित दो प्रोटोनों के मध्य स्थिर विद्युत बल एफ है, यदि उनको हटाकर इलेक्ट्रॉन रख दें। ये मैं अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो ले रहा हूं और उसका क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं कि क्या दिया अपने को? अपने को दे दिए दो प्रोटॉन हैं, एक यहां पर एक यहां पे, और उन दोनों के बीच की दूरी है r। अब अपने को कहा गया कि दोनों के बीच में बल कितना लग रहा है? F। अब कह रहा है यदि इनको हटाकर इनकी जगह इलेक्ट्रॉन रख दें तो अब कितना बल लगेगा? तो बल का मान है K Q1 Q2 / R², दूरी बदली नहीं है, आवेश जितना प्रोटॉन पर होता है उतना इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो ऐसी स्थिति में बल का मान भी नहीं बदलेगा, जितना प्रोटॉनों के बीच में लगता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों के बीच में स्थिर विद्युत बल लगेगा। फिर अपन बात करें प्रश्न नंबर 3, एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला बल एफ है, यदि एक अन्य आवेश की उपस्थिति में प्रथम आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर कितना विद्युत बल लगेगा? देखो बच्चों इसको, ये आपको लिखवाया था मैंने कि यहां Q1 है ये Q2 है, अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में बल कितना लग रहा है? एफ। अब कह रहा है यदि इन दोनों के बीच में कोई अन्य आवेश कैपिटल क्यू रख दें, F किस किस के बीच में लग रहा है? पहले और दूसरे के बीच में। अब कह रहा है यदि इनके बीच में कोई नया आवेश रख दें तो अब कितना लगेगा? पहले पर दूसरे के कारण या दूसरे पर पहले के कारण अब कितना बल लगेगा? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, तो इनके मध्य बल अब भी उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था, तो एफ ही लगेगा। फिर है यदि किसी माध्यम का प्राविद्युतांक 1 हो तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी हो जाएगी? क्या दिया है अपने को? यदि किसी माध्यम का प्राविद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान दे दिया 1, तो अपने को कहा गया उसकी एप्सिलॉन का मान कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 है तो 1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन इक्वल हो गया किसके? एप्सिलॉन 0 के। उसकी विद्युतशीलता का मान निर्वात की विद्युतशीलता के समान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 अपने को कहा गया है कि दो बिंदु आवेश ये हैं, इनके गुणा का मान 0 से कम है, दोनों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी? एक Q1 है यहां पर, एक Q2 है, और अपने को कहा गया है कि दोनों का गुणा 0 से कम है। अब दोनों का गुणा 0 से कम है तो 0 से कम वो कब हो सकता है? जब एक प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो, तभी तो दोनों का गुणा 0 से कम आएगा। अगर दोनों ही प्लस के हो जाएं तो दोनों का गुणा पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा। अगर दोनों ही नेगेटिव हो जाएं तब भी दोनों का गुणा पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस को गुणा करोगे तो प्लस आएगा, तब भी वो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर दोनों का गुणा 0 से कम है मतलब एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच लगने वाला बल कौन सी प्रवृत्ति का हो जाएगा? आकर्षण का। और अगले प्रश्न में कहा गया है अगर दोनों का गुणा 0 से बड़ा है,
इसका मतलब या तो दोनों ही प्लस के हैं या दोनों ही माइनस के हैं। तो अब बल कौन से का हो जाएगा? प्रतिकर्षण प्रकृति का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, विद्युत क्षेत्र ई में क्यू आवेश पर कार्यरत बल कितना होता है? एफ बराबर क्यूई। प्रश्न नंबर 8, किसी आवेशित कण के द्रव्यमान और आवेश की चाल पर स्पीड का क्या प्रभाव पड़ता है? लिखवाया हुआ है आपको पूरा कि अगर मान लीजिए आवेश है तो किसी भी वस्तु का आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, यह आवेश का चौथा गुणधर्म, आवेश की निश्चरता। और वस्तु का द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, और यह बात बताई थी आइंस्टीन ने। तो यहां द्रव्यमान निर्भर करेगा, आवेश निर्भर नहीं करेगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित करता है। अब देखो इसमें अपने को कहा गया है कि प्रश्न नंबर 9 में एक उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए, ई का मान बताइए जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित करता है। फॉर्मूला क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। एफ लगने वाला बल किसके बराबर लग रहा है? इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर। तो एफ इज इक्वल्स टू कितना हो गया? एम जी और क्यू है ही अपने पास, सारे मान है ही। तो E इज इक्वल्स टू एम 9.1 × 10⁻³⁻¹ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी एम इंटू जी, जी की वैल्यू 9.8 और अपॉन क्यू इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 × 10⁻¹⁹। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम्ब। 10 में है, निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच में F बल लग रहा है यदि उनके मध्य पीतल की प्लेट रख दी जाए। वापस चलते हैं, ऐसा क्वेश्चन पहले भी अपने किया कि निर्वात में हम जानते हैं कि बल दो आवेशों के बीच में वो होता है Q1 Q2 अपॉन 4πε0r². अगर दोनों के बीच में माध्यम भर दिया जाए तब बल का मान Q1 Q2 अपॉन 4πε0r² माध्यम कौन सा भर रहे हैं? पीतल। पीतल एक धातु है और धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है, और अगर यहां एप्सिलॉन आर की जगह आप अनंत रख दोगे तो माध्यम भरने पर बल का मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 11, उस प्रयोग का नाम लिखो जिससे विद्युत आवेश के क्वांटम प्रकृति की स्थापना हुई थी। तो कौन सा प्रयोग था? मेलिकन का तेल बिंदु प्रयोग। प्रश्न नंबर 12, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आप लिख ही दोगे। प्रश्न नंबर 13, आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त लिखो। द्विध्रुव क्या बताया था? दो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेशों का युग्म जिसमें दोनों आवेश अत्यल्प दूरी पर रखे जाएं द्विध्रुव कहलाता है। अब ये देखो दोनों के बीच की दूरी, वर्ड लिखा है मैंने अत्यल्प, कम से कम होनी चाहिए। तो अगर आदर्श की बात कर रहे हैं तो आदर्श दूरी दोनों के बीच में कितनी हो सकती है? जीरो, क्यों? दोनों के बीच की दूरी लगभग जीरो, और आवेशों का मान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? अनंत हो सकता है। तो यह कंडीशन है आदर्श द्विध्रुव की। फिर आता है एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है और वो अनावेशित होता है। एक ऐसा कण जो अनावेशित है और उसमें द्रव्यमान नहीं होता, फोटोन है। तो फोटोन जब विराम अवस्था में होता है तो उसका द्रव्यमान जीरो है, और फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं तो उन पर आवेश भी नहीं होता। फिर आता है कि नियतांक K इज इक्वल्स टू 1/4πε0 का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किस बात पर निर्भर करेगा? मेन चीज है माध्यम पर निर्भर करता है। फिर आता है 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक पर, तो 7 नाइट्रोजन 14 इसके नाभिक पर बताना है आवेश का मान कितना होगा कूलम्ब में। तो 7 नाइट्रोजन 14, अब देखो किस पर पूछा है? नाभिक पर पूछा है। नाभिक में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 7 नाइट्रोजन 14 में कितने प्रोटॉन हो गए? 7। न्यूट्रॉन कितने? इसमें से इसको माइनस करोगे तो 7 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन पर तो आवेश होता नहीं है, इसका मतलब 7 नाइट्रोजन 14 के नाभिक पर 7 प्रोटोनों के बराबर आवेश हो जाएगा। तो कितना? 7 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। अब बच्चों यहां पे देखो, यहां नाभिक वर्ड दिया था, अगर अपने से ये कह देता कि 7 नाइट्रोजन 14 के परमाणु पर आवेश बताओ कितना होगा, तो परमाणु पर आवेश का मान
जब परमाणु की बात आ जाती है, इसका मतलब उसमें प्रोटॉन भी हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं। किसी भी प्रोटॉन की जो नेचुरल स्टेट होती है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 नाइट्रोजन 14 में 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर बराबर, विपरीत प्रकृति का, तो टोटल आवेश कितना हो जाता? 0। 7 नाइट्रोजन 14 के परमाणु पर टोटल आवेश 0 हो जाता। एबोनाइट की छड़ को फर्श से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित क्यों हो जाती है? तो जब हमने एबोनाइट की छड़ को फर्श से रगड़ा तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो गई। आपको बता रहा है घर्षण। घर्षण प्रक्रिया में क्या होगा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से, उस वस्तु से निकलते हैं जिसका कार्य फलन कम होता है, तो एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। ऋणावेशित कौन सी हो रही है? एबोनाइट। इसका मतलब फर ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तो वो तो धनावेशित हो गई। उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किसने किया है? इधर एबोनाइट की छड़ ने, तो एबोनाइट की छड़ कैसी हो गई? ऋणावेशित। तो फर से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ पर चले जाते हैं। आवेश की सीजीएस मात्रक आप जानते ही हैं, एक स्टेट कूलाम दूसरा परम कूलाम, इनके बीच रिलेशन आपको पता ही है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव कब स्थायी साम्यावस्था में होता है? तो टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, ये उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान स्थायी अवस्था में कब होता है? जब थीटा का मान 0 डिग्री हो जाता है, तो उस स्थिति में उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना हो जाता है? 0, और 0 डिग्री में उसकी स्थायी साम्यावस्था होती है। फिर प्रश्न नंबर 20, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होता है? पीछे भी डिस्कस किया, अगर विद्युत द्विध्रुव को अगर समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल 0 होता है, और बल आघूर्ण कितना होता है? टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा। तो ये अपने थे ऑब्जेक्टिव और अति लघुतरात्मक प्रश्न। आंकिक प्रश्न जो है वो अपन लेते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।